स्कूल में पढ़ती हो आप? अच्छा उधर है स्कूल। फर्स्ट टाइम पहाड़ का गांव घूम रहा हूँ और इतने तू भी आ गया। पानी के फ्लो से उसके इंजन रोटेट होते हैं। गाइज ये कैंपटी फॉल है, मुझे लगा था कोई नेचुरल फॉल होगा बहुत खूबसूरत है, लेकिन इतने ज़्यादा यहाँ पे लोग बस चुके हैं, इतने घर बन चुके हैं, इतना बेकार लग रहा है देखने में, पूरे कचरे कचरे टाइप के। लोग वहाँ पे सफाई कर रहे हैं, पत्थर हटा रहे होंगे। तो गाइज उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया कैंपटी फॉल पर, इसलिए नीचे जाने का मूड नहीं है, नीचे जा नहीं सकता, कहीं और ही चलते हैं बाइक पर घूमने। तो गाइज़ हम लोग आए अभी कैनेडियन बेकरी, एक विलेज के अंदर है, कॉर्न विलेज ना, हाँ कॉर्न विलेज बेकरी एंड कैफे। गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड चल रहा है तेज, कॉफ़ी के बदले में इतने ठंड है कि बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ये लेमन ग्रास टी। आपका भी विलेज है ये? यू स्पीक हिंदी ना? बिकॉज माई फॉलोअर इज ओनली अंडरस्टैंड हिंदी। Your name is Isa. तो इसी स्कूल में पढ़ती हो आप? अच्छा उधर है स्कूल। तो गाइस ये कॉर्न विलेज है। कॉर्न विलेज क्यों नाम है इसका? क्या फार्मिंग ज़्यादा होता है उसका, कॉर्न का? फर्स्ट टाइम पहाड़ का गांव घूम रहा हूँ और इतने ज़्यादा डेवलप है यहाँ पे। कॉर्न विलेज नाम है तो हर एक घर के चारों तरफ कॉर्न है ना, यूनिक। होली पे तो कोई चांस नहीं है, होली खेल नहीं होगी। तो गाइस हम लोग आए हैं इस विलेज में और यहाँ पे गांव वालों लोगों ने गाइया पाल रखे हैं, तो हम लोग देखने जा रहे हैं उसे। इतने बड़े क्या हैं बकरी? देखेंगे, दिखा देंगे इनको। क्या अंदर देख रहे हैं? क्या नाम है तुम्हारा? वाओ कहाँ के हो? इतने बड़े बकरे हैं भाई, कमाल का देखो यार। वो मुझे मारेगा? नहीं मारेगा, वो बंदा केज के अंदर है ना। नहीं नहीं मतलब ऐसे बाहर फुल दिख रहे हैं, चला गया अंदर। ये तुम्हारे पास कितना गाय है? बकरी उधर है, वो भी तो बकरी है ना। वो तो ऐसे बड़ा है, कौन इसमें? और बैल भी रखे हैं आप? अच्छा उसको खेत में जुताई करने के लिए रखे हैं? ओके भैंसा है ना बकरी इसमें। अच्छा एक भैंस, कितनी सारी है? एक भैंसा और दो बैल। वाओ मैं खाली बनवा रहा हूँ। तो गाइस ये आटा चक्की था जो पानी के फ्लो से उसके इंजन रोटेट होते हैं एंड उसमें ग्रेन्स डालते हैं, फिर वो आटे बनते हैं। चेंज करते हैं। ओके जब ये ऑन करना होता है ना
चैनल चेंज करा फिर इसमें फिर अपने आप हिलने शुरू हो गया। क्या दिखा रही है ये? पता नहीं, मुझे खुद समझ नहीं। कहाँ ऊपर? ओके यहाँ पे है सर, गेट यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे दो गेट है, अगर वो साइड वाला चैनल खोलते हैं तो हाई प्रेशर में वाटर जाता है, फिर वो टरबाइन रोटेट होता है, देन यहाँ गांव के लोगों के लिए आटे पीसते हैं। अरे छोटे छोटे हैन, अच्छा हैन नहीं है ये, तो बत्तख के ही बच्चे हैं। मुर्गी, ओए सो रहा है, बिच्छू चल कम नाउ, टियो 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 टियो, नो 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 नो, कम 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 कम, आजा आजा आजा, कम कम, बाहर निकल, बाहर आजा, कम कम ले। पिचू तू भी आ गया, तू भाग जाता है बेटा, तू तो भाग जाता है। तो गाइस ये प्यारा सा रूम है जहाँ स्टे करूँगा आज, एंड देन ये प्यारा सा वादियाँ, आपको नाइट में दिख नहीं रहा है, सिर्फ स्काई भी नहीं दिख पा रहा है आई थिंक ब्लू ब्लू, क्योंकि काफ़ी इवनिंग हो चुके हैं। तो गाइज कल मॉर्निंग में दिखाते हैं आपको जहाँ मैं स्टे करा हूँ, यहाँ से कितना खूबसूरत ब्यूटीफुल लोकेशन है, कितना ब्यूटीफुल व्यू है। तो गाइज वीडियो में बने रहें, कैसा लगा वीडियो आप लोग प्लीज़ दिखाएं, मॉर्निंग वाला वीडियो भी अटैच करूँगा इसमें। तो गाइज विलेज भी गया था आज घूमने, आप लोगों को कैसा लगा वो एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में गाइस। हेलो गाइस, तो गाइस ये मॉर्निंग में मैं आपको दिखाना चाह रहा था इस एरिया से जो व्यू है, आप देखिए कितना ब्यूटीफुल लगता है। जस्ट वो गांव जो हम घुमाए थे बस इस छोटे वाले जो पहाड़ है इसके पीछे था, बिकॉज वो वाले जो रेंज है वो दिख रहा था, उसके जस्ट नीचे वाला एरिया में तराई क्षेत्र बोलते हैं उस एरिया में था। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कैसा लगा वीडियो प्लीज़ बताएं। आज हम लोगों ने विलेज वॉक भी कर लिया, लव यू, टेक केयर, थैंक यू, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।